हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। और इसमें आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि आपके जो पोस्ट का नाम जो है सिटी मैनेजर का भर्ती का अपडेट निकाला गया है। तो चलिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है सारा कुछ बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो छोटी सी गुजारिश रहेगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ चुका है। देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती का अपडेट निकल कर आया, जिसमें आप देख सकते हैं इन्विटेशन ऑफ द एप्लीकेशन टू कंडक्टेड रिक्वायरमेंट टेस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस इन सिटी मैनेजर अगेंस्ट वैकेंसी पोस्ट इन वेरियर अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज अंडर डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के पद पर भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं सिटी मैनेजर का भर्ती का अपडेट निकाला गया। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 17 है, UR को 7 है, SC को 2 है, ST को 5 है, BC1 को 1 है, BC2 को 1 है और EWS जो मोदी सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है उन लोगों के लिए भी जो है एक सीट यहां पर बना दिया गया है। और साथ ही साथ देख सकते हैं एज की बात कर ले तो 21 साल यहां पर देख सकते हैं मिनिमम बताया गया है। 1/8/2019 के अनुसार, 1 अगस्त 2019 के अनुसार जो है आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। देख सकते हैं जनरल वाले लोग जो है 45 साल तक भर सकते हैं, BC1 BC2 वाले लोग जो है 47 साल तक भर सकते हैं, फीमेल अगर आप है BC1 BC2 में तो 48 साल और ST SC 50 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो अगर आपके पास MBA है या फिर PG डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये तीनों में से एक क्वालिफिकेशन होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। 43,296 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाना है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है सैलरी आपको मिल जाता है। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म को भरना है तो आपको फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है इसका फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका फॉर्म का फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। देखिए, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको भरना है। जी, आपको यहाँ पर भर लेना है, इसका फॉर्म का फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए और भर लीजिए। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें एप्लीकेशन फीस भी बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो है कितना लगने वाला है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन फीस जो है क्या क्या लगने वाला है। इसमें देखिए मेरिट लिस्ट जो है आपका रिटर्न टेस्ट के अनुसार लिया जाएगा। सबसे पहले आपको रिटर्न टेस्ट यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है मेरिट बनेगा और आपका मेरिट जो है आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू में ही आपको जो है सिलेक्शन होगा और वहाँ पर जो है आपको सारा डिटेल जो है आपको कुछ कुछ पूछा जाएगा, आप उसमें पास होंगे तभी आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएंगे। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है 2,000 रुपया रखा गया है। जी हाँ, 2,000 रुपया रखा गया है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 2,000 रुपया का आपको ड्राफ्ट बना लेना है। और आपको देखिए यहाँ पर जो है जनरल मैनेजर JDCO को आपका इस नाम से जो है आपको पेबल रांची इस एड्रेस के अनुसार आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और आपको जो है पोस्ट के माध्यम से इसे भेज देना है। जी हाँ, पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो है आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट लगाकर और जो है आपको भेजना पड़ेगा। और इसका एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एड्रेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्ट DMA अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची, इस एड्रेस पर जो है आप फॉर्म को भेज सकते हैं। इसका पिन कोड मैं आपको दे देता हूँ और इसका फुल एप्लीकेशन एड्रेस भी आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ जो है थर्ड फ्लोर प्रगति सदन कचहरी चौक रांची 83401 झारखंड, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है फॉर्म को और फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का अंतिम तारीख जो है 26/8/2019 है और एग्जाम जो इसमें लिया जाएगा 15/9/2019 है। जी हाँ, 15/9/2019 है। इस तरह से आपको एग्जाम वगैरह के भी डेट बता दिया गया। तो आप में से कितने लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह का लगातार जॉब का अपडेट पाना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।